अभी रिसेंटली मेरे चैनल पे 4 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट माय यूट्यूब जर्नी। मैंने अपना पहला चैनल 2017 में शुरू किया था विद नो नॉलेज, नो स्किल्स एंड नो रिसोर्सेज, और मुझे ऑलमोस्ट 7 साल लग गए यहाँ तक आने में। मैं सोच रहा था कि यूट्यूब ग्रोथ के बारे में जो कुछ भी मुझे अभी पता है वो सब अगर किसी ने पहले बता दिया होता तो मेरी यूट्यूब जर्नी कितनी आसान हो जाती। सो हियर आर 5 थिंग्स आई विश आई न्यू व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब। नंबर 1, नॉट एवरी यूट्यूब एडवाइस इज राइट फॉर यू। YouTube is filled with videos जो आपको सिखाते हैं कि अपना चैनल कैसे ग्रो करना है। आपको इन वीडियोस में हर तरह की एडवाइस मिलेगी, कुछ गलत कुछ सही, बट इवन जो एडवाइस सही है जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। बहुत वीडियोस में आपने सुना होगा कि थंबनेल्स में हमें अपना फेस ऐड करना चाहिए बिकॉज इससे थंबनेल ज़्यादा क्लिकेबल बनता है। क्या ये एडवाइस सही है? हाँ बिल्कुल। एज ह्यूमंस आवर आईज आर नेचुरली ड्रॉन टुवर्ड्स फेसेस, सो दिस एडवाइस एक्चुअली वर्क्स फॉर मोस्ट पीपल। लेकिन जस्ट बिकॉज एन एडवाइस वर्क्स फॉर वन चैनल डजंट मीन कि वो सभी चैनल्स के लिए सही है। लाइक अगर यही एडवाइस कुकिंग चैनल्स अप्लाई करने लगे तो देयर थंबनेल्स वोंट बी एज क्लिकेबल। एक और एडवाइस जो आपने बहुत बार सुना होगा इज टू कीप योर टाइटल्स अंडर 50 कैरेक्टर्स। ये एडवाइस अच्छा है अगर आप मोस्टली ब्राउज फीचर्स को टारगेट कर रहे हो व्यूज लाने के लिए, बट वॉट इफ आपका कॉन्टेंट सर्च बेस्ड है? हाउ विल यू मैनेज टू इंक्लूड ऑल द नेसेसरी कीवर्ड्स अंडर 50 कैरेक्टर्स? पता चला जबरदस्ती टाइटल को छोटा कर रहे हो। सो कोई भी एडवाइस को इम्प्लीमेंट करने से पहले सोचो कि उसका पर्पस क्या है एंड क्या वो एडवाइस आपके कॉन्टेंट के लिए सूटेबल है भी या नहीं। अपने नीश के सक्सेसफुल क्रिएटर्स को देखो एंड सी वॉट इज वर्किंग फॉर देम। दिस इज समथिंग दैट आई रियली विश आई हैड नोन व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब, बिकॉज मेरा जो पुराना चैनल था उस पे मुझे काइंड ऑफ स्लो पेस्ड एडिटिंग की जरूरत थी। इवन जो मेरे नीश के सक्सेसफुल क्रिएटर्स थे वो स्लो पेस्ड वीडियोज ही बनाते थे, बट बिकॉज मैं उस समय बहुत ज्यादा मिस्टर बीस्ट रिलेटेड ग्रोथ वीडियोज देखता था, तो एज यू नो उन वीडियोज में एवरीवन सेज कि फास्ट पेस्ड एडिटिंग करो, हर समय देयर शुड बी सम मूवमेंट, हर 2 सेकंड पर एक कट होना चाहिए। एंड बेसिकली ये सब सुन के मैंने भी अपने वीडियोज को बहुत फास्ट पेस्ड कर दिया जो कि बहुत ही फोर्स्ड लगता था एंड ऑब्वियसली इट डिड नॉट वर्क फॉर मी। सो व्हाट आई लर्न्ड वाज कि कोई एक कंटेंट स्टाइल, एडिटिंग स्टाइल, थंबनेल स्टाइल नहीं है जो सबके लिए काम करेगा। एवरी ऑडियंस इज डिफरेंट एंड सो आर देयर नीड्स। नंबर 2, नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वीडियो आइडिया। आप कई दिन लगा सकते हो एक किलर स्क्रिप्ट लिखने में, एंगेजिंग एंड रिटेंशन हैकिंग एडिटिंग करने में और एक हाईली क्लिकेबल थंबनेल बनाने में, बट अगर जो वीडियो आप बना रहे हो उसकी यूट्यूब पर कोई डिमांड ही नहीं है या फिर वो वीडियो आइडिया इंटरेस्टिंग नहीं है, देन व्हाई विल समवन वॉच योर वीडियो? द ऑपोजिट ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू। आए दिन आपको यूट्यूब ऐसे वीडियोज रिकमेंड करता होगा विद पुअर वीडियो क्वालिटी, पुअर ऑडियो क्वालिटी, ऑलमोस्ट नो एडिटिंग एंड नॉट इवन अ कस्टम थंबनेल, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द वीडियो टॉपिक व्यूज आते हैं। बहुत सब्सक्राइबर्स के कॉमेंट्स एंड मैसेजेस भी आते हैं वेयर दे से कि भाई मैंने अपने चैनल पर वॉइस ओवर, एडिटिंग, थंबनेल, SEO सब कुछ सही कर लिया है पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। ओनली इफ दे न्यू कि अगर वो सिर्फ वीडियो का आइडिया सही कर लेते तो शायद व्यूज आने में इतना टाइम कभी नहीं लगता। ये बात मुझे भी अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट से समझ आई अपने यूट्यूब जर्नी में। अपने पुराने चैनल पर आई यूज टू स्पेंड डेज स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग अ बैड आइडिया, नॉट नोइंग कि इस वीडियो का फाउंडेशन ही सही नहीं है एंड मैं फेल होने वाला हूँ। नंबर 3, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें क्वांटिटी पर फोकस करके ज़्यादा वीडियोस डालने चाहिए या फिर क्वालिटी पर फोकस करके कम लेकिन हाई क्वालिटी वीडियोस बनाने चाहिए। आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि भाई हमें क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज विंस। लेकिन अगर आप ये मुझसे पूछोगे देन आई विल से कि इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप यूट्यूब पर कितने समय से हो। लेट मी एक्सप्लेन। इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, मैं कहूंगा कि आपको क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर फोकस करना चाहिए। यू शुड मेक एज मेनी वीडियोज एज यू कैन बिकॉज ये आपके यूट्यूब जर्नी का वो फेज है जब आपने कॉन्टेंट क्रिएशन सीखना शुरू ही किया है। स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, प्रोड्यूसिंग, ये वो समय है जब आपको इन सभी चीजों से फैमिलियर होना है एंड खुद को इम्प्रूव करना है। नाउ एज यू पोस्ट मोर एंड मोर कॉन्टेंट एंड रिफाइन योर स्किल्स, आप अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज कर सकते हो, शिफ्टिंग योर फोकस मोर टूवर्ड्स क्वालिटी। बेसिकली दिस मीन्स कि आप एक सिंगल वीडियो में ज्यादा टाइम एंड एफर्ट दे सकते हो। लाइक अगर हफ्ते के 3 वीडियोस डाल रहे हो तो उन 3 एवरेज वीडियोस के जगह एक क्वालिटी वीडियो बना सकते हो एंड यू विल सी कि आपकी कंटेंट क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी। अब यही काम सोचो एक बिगिनर करेगा तो शायद ही उसके कंटेंट क्वालिटी में कोई डिफरेंस होगा। अगर उसे एक वीडियो बनाने में 2 दिन लग रहे हैं एंड नाउ वो पूरा 1 वीक लगाता है वीडियो बनाने में तो भी उसकी प्रोडक्शन वैल्यू कोई बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हो जाएगी। दैट्स व्हाई इन माय ओपिनियन एक बिगिनर को क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए। एंड अगेन दिस इज समथिंग आई विश आई न्यू व्हेन आई स्टार्टेड YouTube।
ना उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बहुत सब्सक्राइबर्स मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि पीसी पे वीडियोस एडिट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है। अब ऑल दो मार्केट में एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की कमी नहीं है, बट उनमें से ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स का लर्निंग कर्व बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से दे आर नॉट गुड फॉर बिगिनर्स। सो अगर आपको कोई ऐसा वीडियो एडिटर चाहिए जिसमें सारे प्रो फीचर्स हो एंड एट द सेम टाइम वो यूज करने में भी आसान हो, देन द बेस्ट चॉइस फॉर यू इज वंडरशेयर फिल्मोरा। फिल्मोरा में सभी इंपॉर्टेंट वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं, जैसे हंड्रेड्स ऑफ बिल्ट इन ट्रांजिशंस, बिल्ट इन साउंड इफेक्ट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कि एरोज, आइकॉन्स एटसेट्रा, इंपॉर्टेंट टूल्स लाइक की फ्रेमिंग, मास्किंग, ग्रीन स्क्रीन, मोशन ट्रैकिंग एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू नीड टू एडिट अ किलर वीडियो। फिल्मोरा में एक टेम्पलेट्स का भी सेक्शन है जो मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ देखो बहुत सारे बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं, तो जो भी यूज करना चाहते हो सिंपली उसे टाइमलाइन पर इम्पोर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं ये लोगो एनिमेशन ले लेता हूँ। यू कैन सी बड़ा ही कूल एनिमेशन है, बट अभी इसमें फिल्मोरा का लोगो यूज्ड है। सो ऑल आई हैव टू डू इज डबल क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ मैं फिल्मोरा वाले लोगो को अपने लोगो के साथ रिप्लेस कर दूंगा एंड आई विल क्लिक ऑन सेव एंड नाउ इफ आई प्ले दिस यू कैन सी हमने इस एनिमेशन को कस्टमाइज कर दिया है। फिल्मोरा में कई AI फीचर्स भी हैं, जैसे AI मास्किंग, AI टेक्स्ट टू वीडियो, AI वोकल रिमूवर, बट मेरा फेवरेट इनमें से है AI को पायलट एडिटिंग। बेसिकली ये एक कोच की तरह है जिससे आप वीडियो एडिटिंग और फिल्मोरा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड ये इंस्टेंटली बता देगा कि आपको क्या करना है, मेकिंग द प्रोसेस मच मोर एफिशिएंट फॉर यू। ऑल्सो आई वोंट फॉरगेट टू मेंशन कि सॉफ्टवेयर में एक बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर भी है विद ऑल द इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, जो कि क्रिएटर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, स्पेशली गेमिंग क्रिएटर्स के लिए। So if you want to check out Wondershare Filmora, then description में दिए हुए लिंक से इसे डाउनलोड करो एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई। एंड ऑफ कोर्स पसंद आए तो पेड प्लान जरूर ले लेना। Filmora इज अवेलेबल ऑन विंडोज एंड मैक एंड ऑल्सो iOS एंड Android इफ यू want टू ट्राई आउट द मोबाइल ऐप। नंबर 4, there's no secret to the algorithm. So मुझे ऐसे emails आए दिन आते रहते हैं जहां लोग बोलते हैं कि भाई प्लीज YouTube algorithm का सीक्रेट बता दो, जो ट्रिक आपने अपने चैनल पर लगाया है वो बता दो। एंड यू कैन सी दे आर रेडी टू इवन पे मी फॉर दिस। इन फैक्ट आई कैन रिलेट टू दिस ईमेल बिकॉज अभी से 5-6 साल पहले मुझे भी यही लगता था कि बड़े यूट्यूबर्स को algorithm के सीक्रेट्स पता है। दे नो समथिंग अबाउट YouTube दैट वी डोंट, जिसके वजह से उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज है। तो क्या सच में मुझे और मेरे जैसे बाकी क्रिएटर्स को algorithm के बारे में कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता? Absolutely not. हमें भी उतना ही पता है जितना आपको। Like CTR जरूरी है, watch time and retention जरूरी है, engagement जरूरी है, and to be honest, सिर्फ इन 5-6 metrics को भी अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, then that is enough to run a successful channel. So yeah, small and big YouTubers दोनों को ही algorithm की same knowledge है। The only difference is कि बड़े YouTubers की understanding इन metrics के beyond जाती है। लाइक ये सबको पता है कि CTR जरूरी है और CTR के लिए अच्छा थंबनेल जरूरी है, बट सिर्फ कुछ क्रिएटर्स ही हैं जिन्हें पता है कि एक एक्चुअल में अच्छा थंबनेल कैसे बनाते हैं। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है एंड दैट कैन बी कंसिडर्ड एज देयर अनफेयर एडवांटेज। बट हाँ, एल्गोरिदम की बात करें तो ये बात अच्छे से समझ लो कि कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो बड़े क्रिएटर्स को पता है और आपको नहीं। एंड नंबर 5, यू आर अटैच्ड टू योर वर्क। As content creators, हम अपने videos में एक significant amount of time, effort, personal investment और ढेर सारी creativity invest करते हैं। Because of all this, it's natural for us to become emotionally attached to our own work. एक simple example जिससे I'm sure हम सभी relate कर पाएंगे, इसकी हम जैसे ही editing finish करके video को export करते हैं, तो we watch our video so many times. Now भले ही वो video बाकी लोग ज़्यादा देर ना देख पाएं, हमारे लिए वो video बिल्कुल भी boring नहीं होती है क्योंकि हम उससे emotionally attached होते हैं। अब ये attached अक्सर इतनी ज्यादा होती है हमारे अंदर कि हम अपने कंटेंट को सही से जज नहीं कर पाते हैं। कभी अपने वीडियोस के मेरिट्स को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, कभी उसके फ्लॉज को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। हमें वीडियो में कुछ गलत भी लगता है तो हम उसे चेंज नहीं कर पाते हैं बिकॉज उसे बनाने में इतना टाइम एंड एफर्ट जो दिया होता है। इन शॉर्ट, आवर जजमेंट बिकम्स क्लाउडेड एंड सो टू ओवरकम दिस चैलेंज, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम फीडबैक लें फ्रॉम अदर पीपल। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमारे वीडियोस के उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है जिन्हें हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। किसी ऐसे से फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म मांगना जिन्हें आप ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट करते हो कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर इंप्रूविंग द वीक एरियाज ऑफ योर कंटेंट। सिंस यू आर अटैच्ड टू योर वर्क, इन मोस्ट केसेस सामने वाला जो फीडबैक देगा वो शायद आपको सुनने में अच्छा ना लगे, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट द फीडबैक इज अबाउट योर कंटेंट एंड नॉट यू एज अ पर्सन। ऑल्सो ट्राई करो कि वेरियस सोर्सेज से फीडबैक लो ताकि आपके पास एक व्यूअर का, एक फेलो क्रिएटर का, एक एक्सपर्ट का, सबका पर्सपेक्टिव हो। जो भी फीडबैक मिले उसे वैल्यूएट करो एंड यूज इट टू इम्प्रूव योर वीडियोस, इवन इफ वो इम्प्रूवमेंट 1% ही क्यों ना हो।
सो हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, बट देयर इज वन लास्ट थिंग दैट आई रियली विश आई न्यू व्हेन आई स्टार्टेड YouTube, एंड दैट इज कि एक क्लिकेबल थंबनेल कैसे बनाते हैं। अभी रिसेंटली ही मैंने एक 17 मिनट गाइड बनाया है इस टॉपिक पर, हाईली डिटेल्ड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सो अगर नहीं देखा तो स्क्रीन पर क्लिक करो एंड देखो। एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।